नमस्कार, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ से आ रही है, जहां पर दो मौतों के साथ मेरठ में 21 नए कोरोना मरीज मिले हैं। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 13 पर पहुंच चुका है। मेरठ में कोरोना मरीजों की संख्या 230 को पार कर चुकी है। इसके साथ ही अगर आपको बता दें तो 238 सैंपल लिए गए थे, जिनमें से एक ही फैमिली के 16 मरीज कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। 4 नए हॉटस्पॉट के साथ ही अब 51 हॉटस्पॉट मेरठ में हो गए हैं। लेकिन इसी बीच मेरठ स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। और एक वीडियो नहीं बल्कि दो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जहां पर मेडिकल में बिना ऑक्सीजन के मरीज ने तड़प कर दम तोड़ दिया और कोई भी उसे देखने नहीं आया, कोई भी उसे संभालने नहीं आया। और ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें एन भारत पर आप देख पा रहे हैं, जहां पर मेरठ मेडिकल में लापरवाही की ये तस्वीरें सामने आई हैं। एक मरीज तड़प कर जमीन पर गिर जाता है अपने बेड से उठकर, और उसे उठाने वाला वहां पर कोई नहीं है। हालांकि इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स वहां पर खड़ा होकर इस व्यक्ति से बेड पर बैठने की बात कर रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस मरीज ने पहले तो बेड से गिरा ये, उसके बाद इस मरीज ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि इसने काफ़ी समय से ऑक्सीजन की मांग की हुई थी, लेकिन उसे ऑक्सीजन नहीं दी गई और उसके बाद उसकी मौत हो गई। ये दोनों ही वीडियो मेडिकल में भर्ती एक मरीज ने बनाए हैं, जिसे उसने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है और अब स्वास्थ्य विभाग पर सवाल उठ रहे हैं। आप खड़े होने की कोशिश करो, इधर आओ, इधर। इनका नाम राजू है। राजू होने के बावजूद तीन पलंग से नीचे गिर गया, एक घंटा उसे नीचे गिरे हुए हो गया। डॉक्टर के पास गए हैं, उन्होंने कहा जी खुद उठाकर ऊपर बिठा दीजिए, कोई एक्शन नहीं है, कोई ऑक्सीजन नहीं है। दूसरा ये मेरे बेड के पास आ गया, मुझे इससे खतरा होना चालू हो गया, ठीक है ना, कल को किसी और मरीज के साथ भी कोई बुरा ना हो। ये मेडिकल हॉस्पिटल की तस्वीर है, जिस मरीज को 3 घंटे पहले लाया गया था और उसे सांस की बीमारी हो रही थी, सांस नहीं लिया जा रहा था। डॉक्टरों को बार बार कहने के बावजूद भी उसे ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं हुई और उस बेचारे की तड़प तड़प के मौत हो गई है। तो ये तस्वीरें बताती हैं कि इस वक्त भी लापरवाही का दौर किस तरह चल रहा है, जब पूरी प्रशासनिक प्रणाली सिर्फ एक ही व्यवस्था में जुटी है कि स्वास्थ्य सेवा को बेहतर करना है। उसी दौर में स्वास्थ्य सेवाओं की ऐसी तस्वीरें शर्मसार करने वाली हैं। मेरठ प्रशासन को इसके बारे में कुछ सोचना होगा।